Hello everyone, welcome to Vindhya IV. So today our topic is Shastrakarn. सर्जरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसकी कितनी संख्या होती है और कौन कौन से कर्म किस किस आचार्य ने बताए हैं. सबसे पहले हम आचार्य सुश्रुत का पढ़ते हैं, तो उन्होंने अष्टविद शस्त्रकर्म बताया है. आचार्य चरक ने बताया है 6, अष्टांग हृदय ने बताया है 13 और अष्टांग संग्रह ने बताया है 12. अब हम देखते हैं कि आचार्य सुश्रुत ने कौन कौन से बताए, तो उसे आप सिंपल ट्रिक से याद कर सकते हैं. 6LBWAVCR, इस ट्रिक से आप ये याद कर सकते हैं. आचार्य चरक के लिए भी इसी टाइप की ट्रिक है, 6LP2VC. ठीक है, तो इससे क्या क्या हो जाएगा देखिए. 6 से हो जाएगा छेदन, L से हो जाएगा लेखन, B से हो जाएगा भेदन, W से हो जाएगा वेधन, A से हो जाएगा एशन, V से हो जाएगा विस त्रावण, C से हो जाएगा सीवन और R से हो जाएगा आहरण. इसी प्रकार आचार्य चरक है, उनका 6 से हो जाएगा छेदन, L से हो जाएगा लेखन, P2 जो है उससे दो चीज़ें हो जाएगी, एक हो जाएगा पाटन, एक हो जाएगा प्रच्छान. V जो है उससे होगा वेधन और C जो है उससे हो जाएगा सीवन. अब ये जो भेदन है वो ये पाटन के अंतर्गत ही आता है और जो विस्रावण है वो भी प्रच्छान के अंतर्गत ही आता है. इसलिए उन्होंने पाटन प्रच्छान बताया, विस्रावण अलग से नहीं बताया है और भेदन इसलिए उन्होंने अलग से नहीं बताया. अब दो ऐसे कर्म हैं जो कि इन्होंने नहीं बताया है, तो वो याद रखना है हमें कि एक तो उन्होंने नहीं बताया है एशन और एक नहीं बताया है आहरण आचार्य चरक ने. ये दो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. फिर आते हैं अष्टांग हृदय का. अष्टांग हृदय ने 13 बताया है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है जो आपको पता होनी चाहिए. इसके लिए आप ये लिख सकते हैं कि इन्होंने 8 तो अष्टांग आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही बताया है, 8 सेम यही के यही हो जाएंगे प्लस 5. अब ये जो 5 है वो कौन कौन से है ये देखते हैं. तो देखिए 5 जो है उसमें आप एक ट्रिक लिख सकते हैं, उत्कु से दो चीज़ हो जाएगी, उत्कटन, उत्पाटन और कुट्टन. और फिर जो आती है दूसरी तीन चीज़ें वो होती है मंथन, ग्रहण, दहन. ये तीन चीज़ें, 3, 4, 5. तो उत से हो जाएगा उत्पाटन, ये जो कु है उससे हो जाएगा कुट्टन. ठीक है, तो ये हो गए आचार्य अष्टांग हृदय के. तो अष्टांग हृदय ने आचार्य सुश्रुत के 8 बताए प्लस 5 इसमें कर दीजिएगा. एक तो मंथन, ग्रहण, दहन एक जैसा लग रहा है ना बोलने में, तो ये तीन चीज. फिर उत्कु से हो जाएगा उत्पाटन और कुट्टन. अब हम बात करते हैं अष्टांग संग्रह की. जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने 12 बताया है, तो उन्होंने एक चीज नहीं बताई है इसमें से. उन्होंने क्या नहीं बताया, दहन नहीं बताया. जो संग्रह थे ना, संग्रह सहन नहीं कर पाए, स हो रहे तो क्या सहन नहीं कर पाए थे वो, दहन सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने दहन नहीं बताया है. और उन्होंने जो उत्पाटन है उसकी जगह सिर्फ उन्होंने पाटन बोला है सेम चीज, बस उन्होंने उत्पाटन हटा के पाटन कर दिया है. तो इस तरह से ये हमारे शस्त्रकर्म क्लियर हुए. Thank you. Please don't forget to subscribe, like and share my channel.